दोस्तों वेलकम टू ट्रिप पुनीत चैनल। और अभी हम हैं नीमराना में, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो नीमराना की बावड़ी है और नीमराना का फोर्ट पैलेस है, और यहाँ पे जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स का जिप लाइन होता है। तीन चार एक्टिविटीज हैं करने के लिए, मोस्टली फॉर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देन आपका एडवेंचर एक्टिविटीज़। और अभी हम पहले आए हुए हैं यहाँ पे नीमराना की बावड़ी, जो कि काफ़ी बड़ी बावड़ी है नीमराना में, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर आप दिल्ली से आते हैं तो अप्रोक्स 100 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर की तरफ जाएंगे तब, और जयपुर की साइड से आते हैं तो आपको ये अप्रोक्स वही 100-120 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। जयपुर से आएंगे तो लेफ़्ट साइड में पड़ेगा ये नीमराना, और दिल्ली से आते हैं तो राइट साइड में। और ये देखिए यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है, और अभी अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो ये एंट्रेंस है। और बोलते हैं इस बावड़ी के बारे में कि ये टोडरमल जी ने बनवाई थी 1400-1500 ईस्वी के टाइम पे, और उस टाइम ये था अकबर के टाइम के काल की बात है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर बावड़ी है, बहुत ही लंबी चौड़ी बावड़ी अगर आप देखें तो, कितने आपके यहाँ पे मकान हैं। और ये पहले ज़माने में बनाते थे, और कहते हैं कि यहाँ पे पूरा एक सेना की टुकड़ी भी रुक सकती थी पहले, उसी लिए बनाई हुई जाती थी। और यहाँ पे पानी का पूरा अरेंजमेंट होता था, और यहाँ पे काफ़ी लोग रह सकते हैं। ये देखिए तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के नीमराना तहसील के अंदर आता है, और बहुत ही सुंदर जगह है। और ये भैरोड के भी पास में अप्रोक्स 15 किलोमीटर। और अगर आप हरियाणा साइड से आते हैं नारनौल और महेंद्रगढ़ की तरफ से, तो उधर से भी अप्रोक्स 25-30 किलोमीटर पड़ेगा ये जगह। ये देखो टूरिस्ट भी काफ़ी घूमने आते हैं यहाँ पे, लोकल भी हैं, बाहर से भी आते हैं। अभी हम थोड़ा नीचे जाएंगे, ये देखिए स्टेयर्स, प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई है, आराम से, बड़े ही आराम से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ही सेफ जगह है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। और ये ओपन है, और फोर्ट निर्माण जो फोर्ट है वो यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर का, और अगर आप बैक साइड से जाते हैं तो मुश्किल से 500 मीटर हैं, बट अगर लोकल लोग जा सकते हैं रास्ते पे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देखिए अगर आप देख पाएँ तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए अब अगर यहाँ से भी आप देखते हो कितना ब्लू स्काई, ये देखिए 360 व्यू मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा नीचे तक आपको लेके जाता हूँ। और काफ़ी साफ सफाई भी है इसमें अभी, और बहुत टूरिस्ट आते हैं जो कि नीमराना फोर्ट देखने आते हैं, तो वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और अगर जिस भाई को पता ना हो तो प्लीज़ यहाँ पर भी विजिट करें। भैया कहाँ से आए हो? हैं यहीं से? ओके ठीक है। ये देखिए इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर जगह है। देखिए और आप अगर देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 7 floors हैं यहाँ पे बने हुए, और राइट साइड और लेफ्ट में और सामने भी रूम्स बने हुए। ये देखिए ये आई थिंक किसी ज़माने में इमरजेंसी के लिए बनाया जाता था, और यहाँ पे काफ़ी लोग आके रह सकते हैं। ये देखिए और बहुत ही ठंडा है, गर्मी में तो अगर आप यहाँ पे आते हो, अभी मुझे ठंडी लग रही है, और मौसम अगर बाहर टेम्परेचर की बात करें तो हम अप्रोक्स 25-26 टेम्परेचर है, बट यहाँ पे लुक्स लाइक फील आपका हो रहा है अप्रोक्स 10 to 15 के अंदर, 10 डिग्री नॉट 15। ये देखिए पहले इसमें पानी भी होता था बट अभी पानी है नहीं। ये देखिए ऊपर तक कितना शानदार नज़ारा है, ये देखिए ये आप देखते हो। अभी तो थोड़ा सा मेंटेनेंस काम है इसकी, बट फिर भी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए ये लास्ट नीचे,
ये पहले पानी भी होता था बट अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है। मैं आपको नीचे तक लेके जाता हूँ, एंड में मच्छर वच्छर भी हैं बट आई ट्राई फॉर यू गाइस नीचे तक। ये देखें बहुत ही अच्छा, ये देखिए ये आसमान की तरफ पूरा मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ। ये देखो लास्ट बारिश में तो आई थिंक जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो ये ऊपर तक आ जाता है। और चलो मैं ट्राई करते हैं। बेटा आराम से आना, गिर सकते हो बड़े ही आराम से। हाँ जी, ट्रिप पुंडित, ट्रिप पुंडित, PUNDIT, ट्रिप TRIP, सर्च करो। ये देखिए बहुत ही सुंदर, यहाँ पे बच्चे मिले हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टेड है, इन्होंने चैनल का नाम पूछा है। आप आओ चैनल पे, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर बताने यहाँ पे टावर नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं आपको ऊपर बताता हूँ। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर व्यू, ये देखिए वाओ है, मस्त है एकदम मस्त। ये देखो बच्चे, आपको देखो वहाँ पे, आप देखोगे फिर ट्रिप पुंडित पे, वेरी गुड। बड़े प्यार से बेटा घूमना, आराम से कहीं लग नहीं जाए। ये देखें ये काफ़ी गंदगी है फिलहाल, तो थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा साफ सफाई हो तो, बहुत ही सुंदर। और चलो ये देखें, ट्राई करता हूँ मैं, थोड़ा अंदर आया हूँ। ये कुआ होता था किसी ज़माने में, ओह ये देखिए इसमें पानी वानी खींचने के लिए, बट अभी फ़िलहाल पानी नहीं है। ये देखिए मैं इसके अंदर तक तो आ गया हूँ। हैं कुएँ में आ गए तुम हैं, ये देखिए ऊपर तक बहुत ही सुंदर, लास्ट तक हम आ गए हैं। अब हम वापस चलते हैं, काफ़ी घूम लिए। देखो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर, वाह। थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छा व्यू। ये देखिए अब हम वापस चलते हैं, काफ़ी दूर आ गए हैं, अभी चल गए। ये देखिए यहाँ फोरा टूट गया है, तो आप प्लीज़ आएँ तो बड़े ही तरीके से आएँ, ध्यान से ध्यान रख के, सीढ़ियाँ थोड़ी ऐसी हैं बट सेफ है, कोई इशू नहीं है। ये बैक हम वापस जा रहे हैं, अभी बहुत सुंदर बावड़ी है, स्टेप वेल भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जो हिंदी बावड़ी नहीं समझते हैं। तो स्टेप वेल है नीमराना का, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही सुंदर, वाओ। तो नीरा अबाउट जो भी टूरिस्ट हैं इनको भी देखें और इनको टूरिज़म में बढ़ावा दें, बहुत ही सुंदर। अभी मैं आपको बावड़ी का सराउंडिंग एरिया दिखाता हूँ, अभी मैं वापस आ रहा हूँ। ये देखो आप इधर से भी लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, ये पेड़ देखो कितना नीम का पेड़ है, बहुत सुंदर लग रहा है इसके एंट्रेंस पे। और मैं काफ़ी डाउन चला गया था, अप्रोक्स 100 मीटर, काफ़ी लंबा था तो उसमें मेरी सांसें नहीं उठ रही हैं। और अभी आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ, जिस साइड फोर्ट है और पूरा अरावली हिल्स है पीछे की साइड, बहुत सुंदर। ये देखिए कितना सुंदर है व्यू, बहुत ही सुंदर। ये देखिए मियाँ गवर्नमेंट इनका रिनोवेशन कर रही है, जीर्णोत्थान कुछ बोलते हैं। ओके तो अच्छा प्लेस है टूरिज्म के लिए, अगर आप घूमने फिरने वाले लोग हैं और
ऐतिहासिक चीज़ें आपको पसंद है तो प्लीज़ आइए, दिल्ली NCR से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। और नीमराना फोर्ट में भी अगर आप स्टे नहीं कर पाते, काफ़ी कॉस्टली है, तो आप नियर अबाउट होटल्स हैं, आप ट्रिप मंडी पे क्वेरीज डाल सकते हैं और आपको रीजनेबल रेट्स पे होटल्स का हम गाइड कर देंगे। और प्लीज़ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे, और अपने सुझाव ज़रूर भेजें जिससे हम आगे वाले वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। और आप अपने सुझाव दीजिए कि लोकेशन किस किस टाइप की हम और शेयर करें जिससे हम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और जो आपको बेनिफिट हो सके वो बना पाएँ, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके इंटरेस्ट के लिए भी और हमारे लिए भी। ये देखिए, पहले हम नीचे गए थे, अब हम वापस पीछे के एरिया में इसके, और अगर आप वहाँ देख रहे हो काफ़ी दूरी पर, वो निमराना फोर्ट है, ये देखें, और पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पे। अगर आपने पीछे जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे अमिताभ की एक मूवी आई थी, मेजर साहब, अजय देवगन, अमिताभ, उसकी शूटिंग हुई है और काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है इस पीछे वाले एरिया में। ये डेजर्टेड एरिया जो दिख रहा है, और ये देखो बावड़ी के पीछे के एरिया से ये व्यू, ये देखिए, ये देखिए, पहले जो कुएं होते थे पानी निकालते तो ऐसे यहाँ पे खड़े होके रस्सी से पानी खींचते थे, पुराने ज़माने में मोटर्स होती नहीं थी और तब इन कुएं से पानी निकाला जाता था बाल्टी से खींच खींच के, रस्सी डाल के और बाल्टी। ये देखिए, ये पीछे का व्यू, और ये देखिए 360 व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये देखो, ये देखिए, चलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने सजेशन, सुझाव जो भी हैं, कमेंट्स प्लीज़ शेयर करें जो कि हम आगे के लिए इम्प्रूवमेंट कर पाएँ।